सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ दो नए स्मार्टफोन्स को। और यहाँ पर जो दोनों स्मार्टफोन है वो रिसेंटली यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी का 6 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 9 प्रो। अब यहाँ पर ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। और अगर बात करता हूँ यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की सबसे पहले प्राइसिंग की, तो यहाँ पर जो रियलमी का 6 प्रो है इसकी जो प्राइस है इसके स्टार्टिंग वेरियंट से वो कुछ आपको 17,000 रुपए यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और जो Redmi का Note 9 Pro है 13,000 रुपए से इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो आपको यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है। और फाइनली देखना ये है कि दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन में बेटर फीचर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं और सबसे कम प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए यहां पर बेस्ट होगा। तो चलिए यहां पर कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन को और देखते हैं जो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए यहां पर बेस्ट होता है सबसे कम प्राइस रेंज में। अगर बात करता हूं दोस्तों यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के सबसे पहले डिजाइनिंग से, तो यहां पर जो Redmi का Note 9 Pro है ये आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में जो स्मार्टफोन है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ अगर बात करता हूं Redmi के Realme के 6 Pro की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो भी यहां पर आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है वो काफी बेस्ट इस बार आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो डिजाइनिंग के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफी बेस्ट है। अगर बात करता हूं यहां पर फ्रंट साइड से, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिस्प्ले डिजाइन यहां पर देखने के लिए मिलती है। जो Redmi का Note 9 Pro है इसमें आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले, सिंगल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं पर अगर बात करूं Realme का 6 Pro की, तो इस स्मार्टफोन में आपको कॉर्नर के साइड में डुअल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिलती है, यानी फ्रंट कैमरा डुअल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है Realme का 6 Pro में। अगर बात करता हूं यहां पर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज की, तो जो Realme का 6 Pro है इसमें आपको कुछ 6.6 इंच की एक 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में जो फुल HD प्लस डिस्प्ले है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करूं Redmi के Note 9 Pro, तो यहां पर आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है और यहां पर आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में जो डिस्प्ले है वो देखने के लिए नहीं मिलती है Redmi के Note 9 Pro में। तो डिस्प्ले में अगर बात करें तो जो Realme का 6 Pro है वो आगे निकल जाता है Redmi के Note 9 Pro से। अगर बात करता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो सेम टू सेम यहां पर प्रोसेसर आपको दोनों स्मार्टफोन देखने के लिए मिलते हैं। जो Realme का 6 Pro और यहां पर जो Redmi का Note 9 Pro है, दोनों स्मार्टफोन में आपको यहां पर Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस और स्पीड सभी कुछ आपको यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ अगर बात करता हूं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट की, तो जो Redmi का Note 9 Pro है वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ में यहां पर स्टार्टिंग वेरिएंट से देखने के लिए मिलता है इंडिया में। और जो Realme का 6 Pro है वो 6GB रैम और यहां पर 64GB स्टोरेज के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से। बात करता हूं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे क्वालिटी के बारे में, तो जो Realme का 6 Pro है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और जो Redmi का Note 9 Pro है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है Samsung GM2 सेंसर के साथ में। तो ऑलमोस्ट Samsung GM2 सेंसर है, तो जो Redmi का Note 9 Pro है इसकी जो इमेज क्वालिटी होगी थोड़ी सी बेटर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं Realme के 6 Pro से, तो जो Realme का 6 Pro है वो बैक कैमरे के मामले में काफी ज्यादा आगे यहां पर निकल जाता है Redmi के Note 9 Pro से। तो कैमरे के मामले में, बैक कैमरे में जो Realme का 6 Pro है वो काफी ज्यादा यहां पर बेटर है। इसके साथ अगर बात करूं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहां पर जो Realme का 6 Pro है इसमें आपको 4300mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है 30 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में। इसके साथ अगर बात करता हूं Redmi के Note 9 Pro की, तो यहां पर आपको 5520mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में। तो बड़ी बैटरी जो है वो आपको Redmi के Note 9 Pro में काफी बड़ी देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो Realme के 6 Pro में यहां पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ यहां पर दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे पूरी डिटेल यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। बात करता हूं यहां पर एक बेस्ट स्मार्टफोन की जो कि यहां पर इस प्राइस रेंज में देखने के लिए मिलता है। तो हम अगर यहां पर कोई भी स्मार्टफोन परचेज करने जाते हैं, तो हमारा जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है यहां पर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड। और अगर हम यहां पर स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं या फिर आपको बताते हैं, तो यहां पर स्मार्टफोन के प्रोसेसर के हिसाब से आपको एक अच्छा स्मार्टफोन यहां पर बताते हैं। तो यहां पर जो मेरे हिसाब से Redmi का Note 9 Pro जो है वो काफी बेस्ट स्मार्टफोन है। यहां पर आपको जो कैमरा क्वालिटी वगैरह देखने के लिए मिलती है वो भी इतनी ज्यादा खराब नहीं, काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। प्लस दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर सेम टू सेम है, तो स्पीड के मामले में कोई भी कंपनी यहां पर दोनों स्मार्टफोन डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो यहां पर दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है वो सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप यहां पर Redmi के Note 9 Pro और यहां पर Realme के 6 Pro में से कोई भी स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, तो अगर आप कम पैसे में एक बेस्ट स्मार्टफोन, एक बेस्ट यहां पर प्रोसेसिंग स्पीड वाले स्मार्टफोन को परचेज करना चाहेंगे, तो मैं आपको यहां पर Redmi के Note 9 Pro को जरूर से सजेस्ट करूंगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के कैमरा वाले स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं और इसके साथ साथ चाहते हैं 30 वाट का फास्ट चार्जर हो, डुअल पंच होल डिस्प्ले डिजाइन हो, तो बेसिकली आप यहाँ पर Realme के 6 Pro के साथ में भी जा सकते हैं, जो स्मार्टफोन है काफी बेस्ट है। तो दोस्तों ये थे पूरे मेरे ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, नीचे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ वीडियो में आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आगे होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक मैसेज कर दीजिएगा। अब इसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।